जिसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, शेखावटी की यही पुकार, शेखावटी की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, हमारा ये झुंझुनू, हमारा शेखावटी तो उद्यम की धरती है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वालों की धरती है। आप सीमा पर जाएं तो भी शेखावटी मिलेगा, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, एक न एक तो झुंझुनू वहां मिल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस को यहां के लोगों से इतनी चिढ़ है, इतनी चिढ़ है। अब देखिए, भाजपा ने झुंझुनू के बेटे, किसान के बेटे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने पहले धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने का विरोध किया, और अब तो उसे धनखड़ जी का राजस्थान आना भी बड़ा उनको बुखार आ जाता है। बताइए, पब्लिकली चिल्ला रहे हैं कि भाई आते, मुझे समझा नहीं रहता, समझ नहीं आ रहा है भाई। कोई अपने प्रदेश के अंदर, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं आपको बताता हूं, ये शेखावटी होनहार लोगों की भूमि है जी, तेजस्वी लोगों की भूमि है। इन दिनों धनखड़ जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतिभा, उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोगों को जन्म इस धरती ने दिया है। शेखावटी की इस धरती पर जन्मे लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योगों की स्थापना की है। व्यापार कारोबार से कैसे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हो सकती है, वो यहां के चप्पे चप्पे पर दिखती है। परोपकार की परंपरा, ये शेखावटी का स्वभाव है। जो कमाता है वो समाज को लौटाता है। शेखावटी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। ये जो सामर्थ्य बढ़ा है, इससे आज 80 करोड़ मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना चलती रहे, ये संकल्प भी हमने लिया है। 5 साल उसको, वैसे वो दिसंबर में पूरा होना था, 5 साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। आज हर गरीब को पक्का घर और हर घर तक नल से जल ये पहुंचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार, उसने अपना खजाना माताओं बहनों के लिए खोल दिया है। आज देश के करोड़ों गरीबों को भारत सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, जन औषधि केंद्रों पर। और मैं आपसे कहूंगा,
आपको अगर दवाइयां खरीदनी है ना, जरूर जन औषधि केंद्र पर खोलिए जाइए। ये मोदी ने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में अगर कहीं बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, तो पहला पैर उसी तरफ चला जाता है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो वही मन करता है ना। मोदी ये जन औषधि केंद्र में दवाइयों में 80% डिस्काउंट देता है, 80% डिस्काउंट। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। और जानते हैं, इसके कारण मेरे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे गरीब परिवार, दवाई का जो खर्च होता है ना, उसके कारण उनके कितने रुपये बचे होंगे आपको अंदाज है क्या? अभी तो ज्यादा इस योजना का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, फिर भी इससे मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया उनका बच गया है। भाइयों, ये सेवा की है हमने। साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही परंपरा विकसित की है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण। इस नीति पर चलते हुए कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण बीते दशकों में भारत में युवाओं को अवसर नहीं मिल पाए। आजकल पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान की भी चर्चा है कि नहीं है? चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? आपका माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश के युवाओं पर भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी अंतरिक्ष में भारत कैसे ताकतवर हो रहा है, इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत की इस ताकत के पीछे मेरे नौजवानों का सामर्थ्य है, मेरे युवा है, और इसमें पिलानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिलानी के हमारे युवा स्पेस स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रहती तो ये संभव ही नहीं था। कांग्रेस ने स्पेस सेक्टर में युवाओं के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। ये भाजपा सरकार है जिसने स्पेस सेक्टर में भी युवाओं को खुलकर काम करने का मौका दे दिया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक न हुआ हो। यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए, लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। एक कैसा जादू है भाई। मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा, उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। और मोदी ने न्याय के लिए काम करने के लिए, देश हित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट देकर रखी हुई है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो उसने भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 रुपये की संपत्ति ही पीएमएल एक्ट में जब्त की थी। और दिल्ली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया? मोदी ने पीएमएल एक्ट में भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करवा दी।
कहां 5,000 करोड़ और कहां 1,00,000 करोड़। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं, यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है, गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है, हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है, राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, विकास वही होता है जहां विश्वास होता है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सम्मान सुरक्षित होता है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छुमंतर कर दिया है। ये छुमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छुमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? मेरे परिवारजनों, ये कांग्रेस के नेता इस हद तक बोल रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से आपकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्णय किए हैं और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने जिन्हें अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है। कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलरिंग की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। 45,000 करोड़ रुपया इन लाभार्थियों में आधे से अधिक एससी एसटी ओबीसी परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। साथियों, रेड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सबसे ज्यादा नन्हे भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं। कांग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई। ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर आया। अभी तक देश भर के 50 लाख से अधिक साथियों को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार मेरे राजस्थान के भी है। इनमें भी आगे बढ़ने और अपने कारोबार को बड़ा करने की आकांक्षा जगी है। ऐसे ही हमारी विश्वकर्मा साथी है, हमारे कुमार, लोहार, सुनार, सुतार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सुध नहीं दी। झुंझुनू तो मिट्टी के बर्तन, कॉपर के सामान, लोह के सामान, ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशहूर है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भाजपा सरकार लाई है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है। मेरे परिजनों,
मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, शेखावटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना शुरू किया क्या? जरा मेरा सवाल समझिए, क्या मोदी पीएम बना उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है? पहली बार पता चला क्या? पहले भी था कि नहीं? यहां तो बाजरा ही उगता था ना, जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहां तो बाजरा ही उगता था ना, बाजरा ही खाते थे ना? कांग्रेस को पता ही नहीं था बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहां की शान हमासा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है।